अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी? आज हम लोग जा रहे हैं डबलन, और डबलन मस्जिद में जा रहे हैं हम। आप लोगों ने मेरे टिकटॉक पे देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके वहाँ फॉलो कर लें, और क्योंकि मैं वहाँ पहले अपडेट कर देती हूँ और छोटे छोटे से क्लिप आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो मेरी यूट्यूब पर आती है। और जो कि इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ वो भी प्लीज़ जाके फॉलो कर सकते हैं। और अब लोग हम लोग आ गए थे जी डबलन में, तो देखा कितनी जल्दी हम पहुंच गए हैं। इतनी जल्दी नहीं पहुंचे थे जितनी जल्दी वीडियो में पहुंच गए। हमें लग गए थे 3 घंटे जाने में। तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मस्जिद देखी बच्चों ने, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो और ईसा ने और इनके बाबा ने नमाज़ भी पढ़ी थी वहाँ पे। जोहर का टाइम हो गया था और जोहर की जमात के साथ नमाज अदा की थी इन लोगों ने। बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने पूरा दिन कैसे गुजारा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो हम मैप में देख रहे थे कि डबलन मॉस्क कहाँ पे है, डबलन मस्जिद हम लोग ढूंढ रहे थे। ये वही वाली मस्जिद है और ये सोदिया की मस्जिद है आई थिंक। यहाँ पे इसमें स्कूल भी है और इसमें प्ले स्कूल भी है, इसमें रेस्टोरेंट भी है, इसमें एशियन शॉप भी है, हलाल फूड शॉप है इसमें, और छोटी छोटी सी शॉप है, छोटा सा रेस्टोरेंट भी है नीचे। और काफ़ी अच्छा था, जब हम लोग आ रहे थे वापस तो लोगों ने ना वो छुट्टी हुई थी बच्चों को, तो लोग जाके नीचे से बच्चों को पिक करके तो नीचे रेस्टोरेंट में जा रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ओ काश मैं भी यहाँ रहती होती तो हम भी डेली बच्चों को यहाँ से कुछ ना कुछ ले के देते। एक अलग ही जो है वो खुशी होती है आपको कि आज जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस्लामिक सेंटर है, और जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वहाँ पर वो हलाल है, तो एक बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। बच हम लोग यहाँ से बहुत दूर, हम लोग हम आ गए थे अंदर और इसरा मैडम रो रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। यहाँ पे ये पूरा इसका वो बना हुआ है मैप, जो कि मस्जिद किस तरह से है, पार्किंग है, और किस तरह से साइड पे जो है सारा वो पार्किंग एरिया है, और साथ में ट्रीज वगैरह लगे हुए। बिल्कुल सही वो जो नक्शा था ना, बिल्कुल उन्होंने वो बनाया हुआ था। खैर अब लोग हम लोग जो काम पे के लिए आए थे वो हो गया था, हम लोग वापस निकले थे। तो और इसी मस्जिद में, जब ये वही मस्जिद है ICC इसको कहते हैं, इस्लामिक कल्चर सेंटर ICC इसका नाम है। और जब यहाँ पे किसी की डेथ भी हो जाती है तो इसी मस्जिद में उसे रखते हैं डबलन की, और यहीं पर गुस्ल वगैरह देते हैं, क्योंकि जब मेरी सास फोत हुई थी तो यहीं पे उन्हें रखा गया था, और यहीं पे जो है उन्हें गुस्ल वगैरह मैंने दिया था। कुछ अरबी लड़कियां थी उनके साथ, लड़कियां तो नहीं कह सकते, औरतें थीं, और एक काफ़ी एज की थी, उन्होंने मेरे साथ मुझे बताया था और सिखाया था पहले, और फिर हम लोगों ने मिल के जो है वो गुस्ल की दिया था। और उसके बाद उनका नमाज जनाजा भी यहाँ हुआ था, उसके बाद उनकी बॉडी जो थी वो हम लोग पाकिस्तान ले कर गए थे। तो यहाँ पे आ गए हैं जी हम, आई थिंक पता नहीं इसका नाम मुझे भूल चुका है क्या नाम था, लेकिन वन बाइट था या सिंगल बाइट था शायद कुछ ऐसा, या वंस बाइट था मुझे याद नहीं है, तो मैं देखूँगी, मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे खाना खाने, क्योंकि हम लोग जा रहे थे स्वीट एंड स्पाइस पे। लास्ट टाइम हम गए थे ज़ोक पे, ज़ोक मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ज़ोक बहुत दूर है यहाँ से डबलिन सिटी से, तो तकरीबन जो है ना 40 मिनट ड्राइव है। इतनी देर में तो हम घर का कितना रास्ता चले जाते हैं जितनी देर में हमें दूसरी ऑपोजिट साइड पे जाना पड़ता है डबलिन से, आगे एयरपोर्ट से भी आगे। तो इसीलिए वो ब्लंच स्टोन आई थिंक उसे उस जगह को ब्लंच स्टोन है या क्या है। तो खैर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे भी मज़े का खाना था। 9.99 जो है पर हेड था, और बच्चों का जो था वो हाफ था, एज का हिसाब है बच्चों का भी, छोटे बच्चे हैं तो फ्री हैं, बड़े बच्चे हैं तो उनका हाफ है। तो खैर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खाना अच्छा था, और 10 में से 8
यस सहमत मैं कहती हूँ कि मैं इसको दूंगी खाने को। तो ये था कि एक पहले यहाँ पे था तो उसमें तो समटाइम बिल्कुल खाना जो है वो बासी पड़ा होता था, मतलब कल परसों का आई थिंक, तो वो खा के पता चलता था कि ये फ्रेश नहीं है, लेकिन यहाँ सब खाना फ्रेश था। और ख़ास करके इधर जो मैं बहुत खुश हुए थे जब हमें थोड़ा सा पालक और वाइट राइस मिले थे, और साथ में हमें जो मिला था वो क्या मिला था हम लोगों को, आलू के पकोड़े। तो ये रच कह रही थी मुझे रमज़ान की याद आ गई है, मामा आप रोज़ों में बनाती हैं अफ्तार में, तो मेरे मुझे इरज को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत इंजॉय किया इस तरह। मैडम सोरी थी, इसे हम साथ उठा के ले आए थे। तो ये सेकंड प्लेट मैंने बना ली थी, दो बार मैं खाना लेके आई थी, तो अच्छा था। ये चिकन भी अच्छा था इनका, चिकन विंग्स थे फ्राई, तो ये भी अच्छे थे। ईसा को बहुत अच्छे लगे, ईसा इरज को ऐसा चिकन अच्छा लगता है, तो इंशाल्लाह मैं चिकन विंग्स रमज़ान में बनाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड ने भी बनाए थे तो इन लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। इरज वैसे चिकन नहीं खाती। और ये जो है मॉल में नीचे शॉप्स हैं कुछ दूसरे दूसरे मुल्कों की, दो तीन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, दो तीन ही बल्कि ज़्यादा ही थे, मैंने गिने कोई नहीं थे, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ। और ये भी एक, और यहाँ पे आई थिंक एशियन शॉप भी है, हम उसके अंदर नहीं गए, पता नहीं अब वो कौन सी शॉप है। पार्लर भी है और यहाँ पे एक्सेसरीज की शॉप भी है, और ये छोटा सा एक मॉल उन्होंने बनाया हुआ है अंडरग्राउंड, और यहाँ पे सब चीज़ें, मोबाइल शॉप्स भी हैं, कपड़ों की शॉप्स भी हैं, और यहाँ पे एक एशियन शॉप थी, तो पता नहीं अब वो एशियन शॉप है या वैसे ही शॉप है वो। तो काफ़ी बड़ी सी शॉप थी, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें जाना था यूरो एशिया, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जो है ना बहुत ही मुझे तो डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ मैं, क्योंकि यूरो एशिया में अब कोई भी चीज़ें वैसी नहीं है यार, सब पाकिस्तानी चीज़ें वहाँ मिलती थी और लोग खुशी खुशी जाते थे। पता नहीं अब क्या हो गया यूरो एशिया को, कोई मुझे बता सकता है क्या कमेंट में प्लीज़, मैं पहले आप लोगों से ही पूछ लेती इंस्टा पे। और बस सोचा ही नहीं, बस सोचा था कि जैसा था वैसा ही होगा, पता नहीं था कि अंदर सब चीज़ें, अब उन्होंने ज़्यादातर जो है ना, मतलब 100 में से 70% या 80% जो है उन्होंने चीज़ें सब वो रख ली है ना, आयरलैंड उसकी, सॉरी इंडिया की, तो इंडिया के प्रोडक्ट का तो हमें पता भी नहीं चलता। और ये बर्तन थे, मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो भी नहीं फिर बनाई क्योंकि मैं तो बहुत ही वो हो गई थी। तो खैर ये कुछ बर्तन हैं इंडिया वाले ही, इनके बर्तन हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं, तवे हैं, पैन हैं कुछ। पहले तो इनका बर्तनों का सेक्शन भी बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब तो सिर्फ ये एक लाइन है, इसमें मिट्टी के बर्तन भी हैं, तवे हैं, पैन है, काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे सब जूस थे, तो इसमें नेस्ले जूस भी इनके पास छोटे वाले नहीं थे, बड़े पड़े हुए थे। और ये देखें ये मिट्टी के जो जग हैं और साथ में गिलास है, और मैं यूरोशिया बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ, मिट्टी की हांडियाँ भी पड़ी थी लेकिन मैंने नहीं बाय की क्योंकि 25 यूरो की बहुत एक्सपेंसिव मुझे लग रही थी। आई थिंक मैंने लिमरिक में देखी थी, वहाँ सस्ती थी, मैं दोबारा से चेक करूँगी और फिर मैं लिमरिक से ही बाय कर लूँगी, अगर 25 की भी हुई तो फिर ले लूँगी। और अगर नेस्ले के छोटे जूस यहाँ पे बस यही पड़े थे, हम पूरा कार्टन लेते हैं, और 1 यूरो का 1 जूस इन्होंने रखा हुआ था। तो और ये जी बारबेक्यू का भी है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बर्तनों वाले की मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी आप लोगों के लिए, बाकी तो हमने कुछ भी नहीं लिया, थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली हैं। और मैं तो सोचा था मैं रमज़ान की ग्रोसरी जो है डबलन से ही करूँगी, और बच्चों की जो है वो किनोर के रेड चटपटा फ्लेवर नूडल्स भी नहीं मिल रहे, तो मुझे था मैं वहाँ से ले लूँगी। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ तो कोई नूडल्स ही नहीं थे, वहाँ सब इंडियन नूडल्स ही थे, और हमें उसका पता भी नहीं था फ्लेवर का, और बच्चे खाते भी नहीं है ऐसे कि जिसको हम टेस्ट कर लें बच्चों पे कि जी नई चीज़ ट्राई कर लें, फिर लेने का फ़ायदा भी कोई नहीं था। मैंने खजूरें ली थी और कुछ थोड़ी सी चीज़ें ली थी, इंशाल्लाह रमज़ान ग्रोसरी वाले व्लॉग में ना मैं इकट्ठा ही दिखा दूंगी, बना दूंगी। मैंने तो सोचा था कि आज मैं ग्रोसरी करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, और ये देखें ज़रा मुझे यहाँ पे झाड़ू मिल गया था ये वो झाड़ू है जो पाकिस्तान में हम लोग यूज़ करते हैं ना, इंडिया में भी होते होंगे, तो इन लोगों ने ये झाड़ू रखे हुए थे। तो यहाँ पे मुझे बड़ी हंसी आई, ये देखें नूडल यहाँ पे,
इतनी मैं तो हो गई थी ना डिसअपॉइंटेड, नूडल्स ही नहीं थे, मैगी नूडल पड़े थे और ये तो बच्चे खाते भी नहीं। हैर स्लांटी मिल गए थे यहाँ से, फ्राई अनियन मिल गए थे, काफ़ी चीज़ें मिल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने, इरज को स्लांटी बहुत अच्छी लगती है, मैंने स्लांटी ली थी। मिठाई की साइड पर गए तो मिठाई भी कुछ नहीं थी इनके पास। हाय अल्लाह यार, कुछ भी नहीं था इन लोगों के पास, दो चार सी मिठाइयाँ थी और बाकी डिब्बों वाली ही रखी हुई थी। तो उसके बाद क्या किया, हम लोग आगे चले गए थे लास्ट लाइन में। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो मैं डील्स में थोड़ी देर गई थी, डील्स में वही सब चीज़ें थी, फिर मैं वापस आ गई थी, बस एक राउंड लगा के तो वापस आ गई थी। उसके बाद हम घर अब वापस जा रहे हैं, रास्ते में से हमने चाय ली थी, चाय लेके तो फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। इतने ज़्यादा थक गए थे, डबलन जाओ तो पूरा दिन हमारा जो है ना वो ऐसे गुजर जाता है बिजी। और अब इसरा मैडम जो थी तंग कर रही थी। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।